पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों का एक गुट पिछले 6 दिनों से गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के चैनल गेट पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहा है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर मंगलवार को भी छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरने के दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजियां की। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि वो यहाँ पिछले 6 दिनों से 24 घंटे लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अब तक उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं आया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में तमाम खामियां हैं जिसे दूर नहीं किया जा रहा है। इन खामियों को दूर करने के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। वहीं उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र रजनीश सिंह श्रीनेत ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ की तिथि घोषित नहीं हुई तो वो विरहद आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, चुनाव तिथि घोषित करो घोषित करो घोषित करो, चुनाव तिथि घोषित करो घोषित करो घोषित, आवाज दो छात्र संघ समिति के बैनर तले गोरखपुर विश्वविद्यालय के सारे छात्र संघ के नेता और सभी छात्र हम लोग 6 दिनों से लगातार यहाँ इस बारिश के मौसम में पालथीन लगा करके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों का एक बार भी सूझबूझ लेने नहीं आया है कि आप लोग कैसे हैं, जीवित हैं, मर गए, मच्छर काट रहा है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, क्या हुआ, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी मांगों के बारे में भी उन लोगों ने एक बार भी मुझे पूछने नहीं आया। हम लोग अपने खुद चलकर जब मुझे सूचना मिला कि कंबोडिया से घूम करके कुलपति जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में आ गए हैं, तो हम लोग खुद चलकर जाकर कुलपति जी का कल घेराव किए और उनको बाहर अपने उनके कमरे से बाहर निकलने से रोके। तब कुलपति जी जाकर के हम लोगों से बात किए और वार्ता में उन्होंने यही कहा कि आप लोग अपना धरना खत्म कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कल गोरखपुर में आ रहे हैं। 16 तारीख को सुबह हम आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जा करके उनसे अनुमति लेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार छात्र चुनाव पे रोक लगाई हुई है, मगर उसके बावजूद भी हम लोग नहीं माने। उसके बाद हम लोग आए अपने धरना स्थल पे आग बैठे हुए हैं। हम लोग 16 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि माननीय कुलपति जी हम लोगों को कब ले जाएंगे, CM साहब से मुलाकात कराएंगे और हम लोगों की मांग मानी जाएगी। अगर हम लोगों की बातें नहीं पहुँचाई जाएंगी वहाँ तक, न मानी जाएंगी, तो हम लोग 15 तारीख तक इंतजार करेंगे, 16 तारीख को भी इंतजार करेंगे, दोपहर तक 16 तारीख को 1 बजे तक हम लोग इंतजार करेंगे। 1 तारीख के बाद से हम लोगों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा।